गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 12.5 एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो आज कर रहे हैं। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। एज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू सी पार्ट। नहीं, स्टिल सी पार्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू डी पार्ट। इन डी पार्ट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवेन हाउ मच 100 सेंटीमीटर क्यूब। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ दिस क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला इज ए क्यूब इज 1000, ए इज इक्वल टू क्यूब रूट 1000 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10। क्यूब है तो ट्रिपलेट बनाएंगे, 10 बाहर आ जाएगा। इट मीन्स द लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब कितना आ गया, क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में बॉक्स का वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कितना दिया हुआ है 1176। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1176 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होता है L × B × H 1176। L की जगह पे आप लिख देंगे 12, ब्रेथ की जगह पे लिख देंगे 7, हाइट की जगह पे यही लिखा रहने देंगे। यानी हाइट इज इक्वल टू हो गया 1176 अपॉन 12 × 7। 12 से डिवाइड, 7 से कर लीजिए, चलिए 7 × 7 ये हो जाएगा 1176 है ना, हाँ ठीक है। 7 × 7 कितना बचा 4 47, 7 × 6 = 42, 47 × 42 गया 5 बचा, 56, 7 × 8 = 56। 12 से काटिए, 12 × 12 48, 12 × 4 = 48। यानी हाइट आपकी कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है एक कार्टन है, कार्टन की लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ब्रेथ दी है और हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो पहले आप निकालिए वॉल्यूम ऑफ कार्टन। कार्टन का वॉल्यूम हो गया देखो यार, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग वॉल्यूम ऑफ द कार्टून इज 30 × 15 × 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 2 = 300, 300 की 30 से की तो 3 × 3 = 9, 9000 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अब एक बुक है, आप एक बुक की लेंथ दी हुई है, लेंथ ब्रेथ हाइट दी है 5, 3 और 3, आपको बतानी है कितनी बुक्स आएंगी, नंबर ऑफ बुक्स कितनी आएंगी। वॉल्यूम ऑफ कार्टन अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ बुक, वॉल्यूम ऑफ कार्टन कितना है, यह है 99,000 और 5 × 3 × 3, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 × 3 = 9, 9 से काटा 1000 हो गया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 200। यानी 200 बुक्स आप एक कार्टन में
जिसकी डायमेंशंस ये दी हुई हैं इसमें रख सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, थैंक यू।